हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीएचपी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रिट्राइव स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम दी टेबल। गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा कि टेबल से सारे रिकॉर्ड कैसे रिट्राइव करने हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिट्राइव करने वाले हैं। स्पेसिफिक रिकॉर्ड मीन्स आप जो इनपुट दोगे वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने इस PRN के टेक्स्ट बॉक्स में PRN नंबर 1 एंटर किया और रिट्राइव बटन पर अगर यूजर क्लिक करता है तो जिस स्टूडेंट का PRN नंबर 1 है वही रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। सो हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड। पिछले कोड को ही हमने मॉडिफाई किया है, काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ ये क्वेरी चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर PRN को रीड किया है। PRN के टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी PRN डालोगे वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। एंड देन वी हैव मॉडिफाइड अवर क्वेरी। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेरी हमने लिखी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्वेरी हमें कंप्लीट टेबल रिट्राइव करके दे रही थी। अब हमने क्वेरी को विथ वेयर क्लॉज लिखा है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर PRN इक्वल्स टू $PRN। तो जो भी PRN अब आप एंटर करोगे वही रिकॉर्ड रिट्राइव होगा और बाकी का सारा कोड हमने एज इट इज लिखा है। अब ये इसे व्हाइल में लिखना है नहीं लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन योर दिस क्वेरी। अगर क्वेरी आपको एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड दे रही है तो उस केस में नो नीड टू राइट इट इन व्हाइल लूप। बट अगर आपकी क्वेरी के आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो उस केस में उन सभी रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए आपको उसे व्हाइल में लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल में तो हमें एग्जैक्टली एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है, बट स्टिल वी विल राइट इट इन व्हाइल क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेट्स रिफ्रेश द पेज। एंटर PRN नंबर 1। सो यू कैन सी ओनली 1 रिकॉर्ड इज रिट्राइव। सिमिलरली इफ आई एंटर PRN नंबर 4, so you can see here PRN4 is retrieved. Thanks for watching this video.